29 दिसंबर को इंडिगो एयरलाइंस में यात्रा के दौरान एक महिला ने खाने में कीड़े की शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद फसाई ने इंडिगो एयरलाइंस को नोटिस भेजा और पूछा है कि यात्रियों के स्वास्थ्य से इस तरह से खिलवाड़ के लिए क्यों ना इंडिगो का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाए। फिलहाल एयरलाइंस को 7 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देना है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उनतीस दिसंबर की सुबह दिल्ली से मुंबई की इंडिगो फ्लाइट से यात्रा कर रही एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने यात्रा के दौरान फ्लाइट में एक वेज सैंडविच खरीदा था जिसमें एक जीवित कीड़ा मिला। महिला ने इसकी शिकायत एयरलाइंस से की और सोशल मीडिया पर भी अपने दुखद अनुभव को साझा किया, जिसके बाद फसाई हरकत में आई और इंडिगो को नोटिस भेजा। फसाई ने नोटिस में ये पूछा है कि यात्रियों के स्वास्थ्य से इस तरह के खिलवाड़ के लिए क्यों ना लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। फिलहाल इंडिगो को अपना जवाब 7 दिनों के अंदर देना है। बता दें कि महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि ये जानने के बावजूद कि सैंडविच की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, फ्लाइट अटेंडेंट ने अन्य यात्रियों को सैंडविच परोसना जारी रखा। वहाँ बच्चे, बुजुर्ग और अन्य यात्री थे। अगर किसी को संक्रमण हो गया होता तो इसकी जवाबदारी कौन लेता। महिला ने यह भी दावा किया कि इंडिगो फ्लाइट अटेंडेंट को कीड़ा मिलने की सूचना देने के बावजूद उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। महिला के मुताबिक फ्लाइट अटेंडेंट ने विमान में खाद्य सुरक्षा के व्यापक मुद्दे को अनदेखा करते हुए केवल इतना कहा कि हम इसकी जगह कोई दूसरी चीज दे देंगे। हालांकि फ्लाइट अटेंडेंट ने आश्वासन दिया कि मामला संबंधित विभाग के ध्यान में लाया जाएगा। मामले की फिलहाल गहन जांच की जा रही है और उचित सुधारात्मक कदम उठाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए वो अपने कैटरर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यात्री को हुई किसी भी असुविधा के लिए वो ईमानदारी से माफी मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।